मुरादाबाद जनपद में आयोजित होने वाला मेला और प्रदर्शनी में शहरवासियों के लिए एक बेहतर मनोरंजन साबित हो रहा है। तो वहीं मेले में लगने वाली दुकानों में दुकानदारों को भी रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान हो रहा है। ऐसे में शहर में लगने वाली इस मेले में पुलिस प्रशासन भी सहयोग कर रहा है, जिससे सभी को रोजगार मिले और इस बढ़ती महंगाई में मनोरंजन का साधन भी शहरवासियों को मिल सके। मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र के करूला क्षेत्र में 3 साल के बाद हस्तशिल्प प्रदर्शनी व मेले का आयोजन 6 दिसंबर से 6 जनवरी तक किया जा रहा है, जिसके जरिए से लोगों को काफी रोजगार भी मिल रहा है। दूर दराज से आए दुकानदार प्रदर्शनी में दुकानें लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, तो वहीं 3 साल बाद लगी प्रदर्शनी व मेले लगने से क्षेत्रवासी भी खुश नजर आ रहे हैं। 6 जनवरी तक चलने वाली प्रदर्शनी शाम 6 बजे से शुरू होती है। करूला स्थित हस्तशिल्प प्रदर्शनी एवं मेला लगा हुआ है। यहाँ पर झूले और खाने पीने के स्टॉल सहित सजावट के सामान की दुकान भी लगी हुई है। मेले में बड़ी संख्या में बच्चे अपने माता पिता के साथ झूलों का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के झूले, वाटर बोट, मिनी ट्रेन, चक्री झूला, मिक्की माउस, छोटी कार वाला झूला बच्चों की विशेष पसंद है। साथ ही युवाओं के बीच हवाई झूला, कोलंबस नाव झूला, ड्रैगन ट्रेन, मैजिक डांस व अन्य झूले लोकप्रिय हैं। बच्चों के खेल खिलौने और गुब्बारों से सजी दुकानें, बच्चों के खिलौने, गुब्बारे, खानपान आदि की दुकानें एवं महिलाओं के लिए रंग बिरंगी चूड़ियों से सजी दुकानें हैं। सजावट के सामान, घरेलू सामान जैसी दुकानें मेले में लगी हुई हैं। प्रतिदिन मेला शाम को 5 बजे शुरू होता है, जो रात्रि 10 बजे तक चलता है। ये मेला 6 जनवरी तक यहाँ लगा रहेगा। यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले 3 वर्षों से यहाँ कोई मेला नहीं लग पाया था। इस वर्ष मेला लगने से बच्चों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं मेले के आयोजक राहत खान ने कहा कि मेला सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जहाँ पर न सिर्फ लोगों की मुलाकात एक दूसरे के साथ होती है, बल्कि इस मुलाकात में लोगों को एक दूसरे के प्रति आपसी भाईचारा और मोहब्बत भी दिखती है। लोग तमाम चीजों को भूलकर मनोरंजन करने के लिए मेले में आते हैं। वहीं मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेला चौकी पर पुलिस भी मुस्तैद दिखाई देती है, जबकि मेले में बच्चों के लिए झूला, नाव, ब्रेक डांस, चरखा सहित मीना बाजार लगाए गए हैं, जिसे देख बच्चे भी आनंदित हो रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। ये करूला रहमत नगर यहाँ पर धर्म कांटे पर जो हमने यहाँ मेला लगाया है, हस्तशिल्प मेला प्रदर्शनी, ये भी 6 दिसंबर से 6 जनवरी तक चलेगा। और हमने यहाँ पर जनता के मनोरंजन के लिए तरह तरह के झूले लगाए हैं और खान पान के स्टॉल हैं, हलवे पराठे का होटल है, सॉफ्टी का स्टॉल है, आइसक्रीम का स्टॉल है, कॉफ़ी का स्टॉल है। इसके अलावा बहुत से दुकानदार जो हमारे मेले में आए हुए हैं, कोई खिलौने का स्टॉल लगा रखा है, काफ़ी लोग हमारे मेले से जुड़े हुए हैं जिनको रोज़गार मिलता है हमारे द्वारा, और हम यहाँ पर लोगों को स्वस्थ मनोरंजन दे रहे हैं। काशी भाई, 3 सालों से यहाँ मेला नहीं लगा है, कोविड की वजह से सभी मेले बंद थे, लेकिन कोविड के बाद ये हमने पहला मेला यहाँ लगाया है और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। पुलिस प्रशासन का भी हमें भरपूर सहयोग है और बहुत ही शांतिपूर्ण से हमारा ये मेला चल रहा है। क्या मानते हैं ऐसे मेले से जो रोजगार के जरिए भी मिलते हैं? भाई, जाहिर सी बात है, जब मेला चलेगा, पब्लिक आएगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ लोगों की सेल होगी, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मेला चल रहा है, पब्लिक भी बहुत अच्छी आ रही है और सभी लोगों का काम चल रहा है बढ़िया। मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि ये आप लोगों का मेला है, आप लोगों के लिए लगाया है, आप अपने परिवार के साथ यहाँ आइए और स्वस्थ मनोरंजन कीजिए।